बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन भाइयों के लिए जो न्यू फैंसीज हैं और जो शौक रखते हैं कि मुर्गों में म्यूटेशंस का और मुर्गों में जो जो फैंसी बर्ड आजकल चल रहे हैं उनके बारे में। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि कौन से बर्ड्स जो होते हैं वो हमें परचेज करने चाहिए और इनमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। अब ये गोल्डन बफ का पेयर आपको नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने परचेज किया है, और इसमें मैंने क्या चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा और क्या चीज़ इसमें ज़रूरी है जो आपको देखनी चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने गोल्डन बफ परचेज करना है तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है वो है साइज। इनका साइज आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ह्यूज साइज के हैं ये। वीडियो में शायद आपको जो नज़र ना आ रहे हो, लेकिन ये बड़े माशाल्लाह ह्यूज साइज में है। उसके बाद जो चीज़ मैटर करती है वो है कलर। इसमें दो तीन कलर के होते हैं, बल्कि ज़्यादा कलर है इसमें, दो तीन से भी, लेकिन जो ज़्यादा गोल्डन में और ये क्लियर, एक क्लियर कलर नज़र आ रहा होगा आपको, ये एक ज़्यादा डिमांडेड और बहुत अच्छा कलर है। दूसरा, इनकी कलगी देख सकते हैं आप, इनकी हाइट देख सकते हैं, इनके पैरों के ऊपर जो इनके पैच हैं वो देख सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनकी एज। अब आप ये मुर्गा आपको नज़र आ रहा होगा, अगर शायद कैमरा में नज़र आ सके, इसकी जो नाखून है जो निकलने वाले हैं, यानी कि कील इसकी जो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, यानी कि इस बर्ड की उम्र 7 से 8 महीने के अंदर है। अभी ये 7 से 8 महीने के हैं, क्योंकि अगर आप इसकी एज नहीं मैटर करेंगे, एज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अगर छोटी होगी तो उसमें बर्ड ये है कि ज़्यादा देर तक आपको ब्रीड देगा और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकेंगे। तो फ्रेंड, ये एक तो उन भाइयों के लिए जो शौकिया तौर पर रखना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पे जो कि ज़्यादातर लोग हैं आजकल, देखें कोई भी बंदा जो शौक़ है उससे अर्न करना हर बंदा चाहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इससे अर्निंग करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे अर्निंग आपको दे सकते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड दूसरा जो पॉइंट इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो ये है कि इनकी अंडे देने की रेशो क्या है। अच्छा, अंडे देने की रेशो इनकी जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि एक साल में 180 प्लस, यानी 180 टू 200 या 200 से भी कुछ ऊपर या नीचे करते हैं, ये इनकी ये अंडों की एवरेज है। अच्छा, अब दूसरा, हम इस इनके अंडों को सबसे बेस्ट वे क्या है, आप किस तरह इसको अर्न कर सकते हैं। अगर आप इनसे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक हैचरी मशीन होनी चाहिए जिसे कि इनक्यूब्यूटर कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इनके, या तो एक है कि आप इनके अंडे आएँ और अंडे ही इनके सेल कर दें, क्योंकि इनके अंडे भी सेल हो जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इनके अंडों को हैचर मशीन में रख के, इनक्यूब्यूटर में रख के उनको इनक्यूब्यूट कराएं, और जब वो निकलें तो वो 1 डे से 1 वीक के अंदर अंदर ही वो आपके बच्चे सेल हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इनके बच्चों को बड़ा करके तो फिर बेचें, फिर इनकी और डिमांड बढ़ जाती है। वैसे मैं तो यही रिकमेंड करूँगा फ्रेंड्स कि आप इनको बच्चे अगर आप निकलें और निकलते ही आप इनको सेल कर दिया करें 1 वीक तक, ताकि ज़्यादा अगर आप चीज़ों में पाउंड डालेंगे तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना उसमें। तो अब ये, अब आपके सामने मैंने ये स्टार्ट किया क्योंकि सील के मुर्गे आपने हमारे पहले वीडियो में हमारे चैनल पे देखे होंगे कि सील का काम तो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 10-15 साल से हम कर रहे हैं, और इसके अलावा वीडियोज़ का सिलसिला भी काफ़ी अरसे, कोई 2 साल से चल रहा है हमारा, जब से हमने चैनल बनाया हुआ है। अब इंशाल्लाह आपके पास हमारे, हमने ये स्टार्टअप लिया है, हमने ये मैंने पहला पेयर लेके आए हैं, ये एक मेरे दोस्त के पास खड़ा था तो वहाँ से लेके आए। अब इंशाल्लाह इसका ट्रायो मुकम्मल करना है, जिसके साथ 2 से 3 मुर्गियाँ और ला के छोड़ेंगे तो इसका ट्रायो पूरा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसमें जो दूसरी म्यूटेशन है, तरह तरह की जो वैराइटीज़ चल रही हैं जिसमें और भी बहुत से बर्ड हैं, मैं उनको भी लाऊंगा अपने शेड में। और ये पूरा मैं, आप कमरा का व्यू देख सकते हैं, ये मैंने शेड बनाया है, सिर्फ इस शेड में मुर्गों का सेटअप मैंने लगाना है फैंसी बर्ड्स का। दूसरा सेटअप मेरा छत बड़ी है माशाल्लाह, उस बार की तरफ मैंने लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमने लगा, इस पूरे कमरे में हमने ये वाला सेटअप लगाना है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है चीज़, अगर हम इनको ले आए हैं तो फिर इनको हमने पालना कैसे है, इसकी डाइट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो इसकी डाइट में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, जब ये मुर्गों की एज 5-6 माह से ऊपर हो जाती है तो फिर हम इनको 18 नंबर फीड डालते हैं। उसके बाद इसके 2 दिन, 1 वीक में, ट्वाइस अ वीक आपको इनको ग्रीनरी डालनी पड़ेगी, जिसमें कोई भी सब्ज़ी होगी या कोई भी ग्रीन फूड आप इनको डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएं इनकी मेडिसिन पे, तो इनको वाइटालिन एम का सिरप जो कि आप इनको चला सकते हैं 2 हफ्ते में। फिर उसके बाद जो वाइटासोल है, वाइटासोल कंपनी का जो पाउडर है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट है इनकी ब्रीड के लिए, ये बहुत जल्दी वो इनको ब्रीड पे लाता है और बहुत ही अच्छा साबित होता है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस के लिए। तो आपको वाइटालिन एम ले लेना पड़ेगा, एक वाइटालिन एम ले लें, मेरा ख्याल से वो तो थोड़ा 1 साल से भी ऊपर चल जाता है। और
अच्छा, और जो विटासोल है वो जो है वो एक ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला है जो अंडों की रेशो को बढ़ाता है, अंडों के शेल जो कि बहुत कमज़ोर मुर्गियों के अगर होते हैं तो वो उनको मजबूत करता है और उनकी प्रोग्रेस को बढ़ाता है, और अंडों से हैचरी तक जो बच्चा निकलता है तब तक ये उसमें कारामद साबित होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाता है, अब इनका जगह इनको कितनी दरकार होनी चाहिए और इनका जो खुड्डा होता है वो आपको कितना बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तो आप देख रहे हैं ये कमरे में खुला छोड़ा, क्योंकि ये पूरा कमरे में हमने खुड्डे बनाने हैं, जिसका मैं आपको व्यू देता हूँ कि हमने इनको कैसे बनाना है। ये आपको सामने दीवार का एक व्यू नज़र आ रहा है मेरी का, ये एक दीवार है, इस दीवार पे तीन खुड्डे बड़े आराम से बनेंगे, जिसमें इसका कम अज़ कम वर्थ जो है, जो इसकी चौड़ाई है वो होगी 3 फिट, और उसकी लंबाई जो है इस तरह लंबाई, ये चौड़ाई में बता रहा हूँ, इस तरह चौड़ाई 3 फुट होनी चाहिए और इस तरह लंबाई भी कम अज़ कम 3 फुट होनी चाहिए, और इसकी ऊंचाई भी 2 से 3 फुट, 2 नहीं बल्कि 2.5 से 3 फुट लाजमी होनी चाहिए, ताकि इनका सर बर्ड का लगे ना। और फिर ये दीवार आ जाती है, इस दीवार के ऊपर भी 3 बन जाएंगे खुड्डे, यहाँ पे एक ही बनाएंगे, और उसके बाद ये आ जाएगा सामने वाला जो पैकेज है, इस पर भी 2 खुड्डे बनेंगे इंशाल्लाह। जब ये बनेंगे मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बना के अपने फ्रेंड्स अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूंगा, और इसमें आने वाले उतार चढ़ाव, इसमें आने वाली बीमारियां अल्लाह ना करे और प्रॉब्लम्स, मैं सब आपको तय बताए वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताता रहूंगा। और दरख्वास्त फ्रेंड आपसे ये है कि जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। और किसी भी किस्म का कोई अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।